हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं प्यारी प्यारी मठे के आलू की सब्जी, जो कि हमारी शिवानी दीदी को बहुत ही प्यारी है। शिवानी को जानते हैं ना आप, कानपुर की शिवानी है, जो उनको ये सब्जी बहुत पसंद है। तो आज हम बनाने वाले हैं उनकी पसंद की मठे के आलू की सब्जी। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिए हैं दोस्तों उबले हुए आलू। सेम उनकी ही रेसिपी से आज हम बनाने वाले हैं ये सब्जी। तो पूरी तरह से रेसिपी को देखिएगा, स्किप ना करिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है दही, आप पे चाहें तो मठे को भी ले सकते हैं। मैंने आलूओं को, उबले हुए आलूओं को दो दो पीस में डिवाइड कर लिया है। मैंने इनका छिकल नहीं उतारा है, क्योंकि जो गांव में सब्जी बनती है ना, वो बिल्कुल छिलके विलके के साथ ही बनती है, और बाद में उसके छिलके अपने आप ही उतर के आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, साथ में जीरा और हरी मिर्च का मैंने अभी डाल दिया है इसको भुनने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो बस थोड़ा सा हमारा जीरा है जो भून के हो गया है तैयार। अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले। तो मसाले हमें क्या क्या डालना है दोस्तों, हल्दी डालना है, धनिया, लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी सी रखेंगे, क्योंकि तीखी होती है सब्ज़ी, तो तीखी ही अच्छी लगती है। और साथ में हम डालेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहें तो आपके पास बाज़ार का है तो वो भी डाल सकते हैं। और हल्का सा मैंने इसमें पानी मिक्स किया है। पानी मिक्स करने के बाद हम जो मसाले हैं ना हमारे, इनको अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। मसालों को हमें भुनना है। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी बताई है आपको, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी। ये है सेम टू सेम गांव की रेसिपी, जो लोग गांव में बनाते हैं ना, वो इसी रेसिपी से बनाते हैं, इसलिए मैंने आज आपको ये रेसिपी शेयर करी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला लगभग भुन रहा है। अच्छी तरह से भुनने के बाद हम एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है, मीडियम फ्लेम पे हमें रख के मसाला भुनना है, जिससे कि सही तरह से हमारा मसाला पक जाए। तो ये देखिए, हमारा मसाला लगभग अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अभी तब तक ये देखिए, मैंने अपने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, और आलू भी मैंने कुछ के छिक्कल जो बेकार थे छिक्कल ऊपर से, उनको मैंने निकाल के बस आलू इसमें हमें डाल देना है। हम मसाले में आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जिससे कि जो आलू हैं मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उनका टेस्ट डबल बढ़ा दे। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी मैंने इसमें बस नमक नहीं डाला है। मठे को मैंने तैयार कर लिया है दही को फेंट के, उसमें मैंने एक चुटकी के समथिंग जो मैंने आटा होता है रोटी वाला, वो डाला हुआ है, जिससे कि हमारी मठे की ग्रेवी बढ़िया तरीके से बन के आए। तो यहाँ पर आलू हमारे देखिए फ्राई हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा कलर वैसे ही निकल के आया। आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे ही आलू खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। लेकिन हम बनाने वाले हैं मठे के आलू की रेसिपी, तो बस हम इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे मैंने डाली है हींग। हींग तो कंपलसरी है हर सब्जियों में डालना, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और साथ में ये डाइजेशन का भी काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने आलूओं को बढ़िया तरीके से मिक्स कर रहे हैं मसाले में। यहाँ पे जो आलू हैं हमारे उबले हुए थे, हमने कच्चे आलू नहीं लिए हैं। पहले की रेसिपी में मैंने बताया था कच्चे आलूओं के साथ बनाना, यहाँ पे मैं उबले हुए आलू के साथ बना रही हूँ, जो कि शिवानी कुमारी जी हमारी बनाती थी। उनको मठे के आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो हमें भी पसंद है दोस्तों। उनको देख के मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी ही रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें एक गिलास के समथिंग पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। बस हमें इसका उबाल आने तक इंतज़ार करना है, हमें ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, क्योंकि हमारे आलू हैं ऑलरेडी उबले हुए हैं। बस हम इसमें आलू को मसल देंगे थोड़े थोड़े, और बस हमें उबाल आने तक का इसका इंतज़ार करना है। जब तक इसमें उबाल आता है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली जो विलेज की रेसिपीज़ हैं वो आपको मिल सकें। मेरी रेसिपी अधिकतर गाँव पर डिपेंड रहती हैं, गाँव से जुड़ी हुई हूँ मैं, इसलिए चाहती हूँ कि आप भी गाँव की सब्जी देखें और खाएँ और टेस्ट लें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो मठा है मेरा, मैंने इसमें डाल दिया है, हमारी सब्ज़ी में लगभग उबाल आ गया था। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एकदम हाई फ्लेम पे हमें मठे को मिक्स नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पे हमें मिक्स करना है। अब हमें इसको इस कंसिस्टेंसी में रेगुलर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि मठा डालने के बाद अगर पहले हम नमक डालते हैं तो मठा हमारा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो हम जब हमारे मठे में उबाल आने को हो ना, तब हमें नमक मिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब इसको जो हमने दही डाला है ना, इसको हमें रेगुलर चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फट जाएगा और हमारी सब्ज़ी पूरी बिखरी बिखरी सी हो जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब देखिए, हमारी सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से उबाल लेंगे।
देख रहे हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है ना आपका, मस्त एकदम कलर उठ के आया है, ऑयल भी बढ़िया दिख रहा है और आलू भी बढ़िया इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो बस हमें इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से, मतलब 10 से 15 मिनट हम सब्जी को मीडियम टू लो फ्लेम पर उबाल लेंगे। देखिए हमारी सब्जी उबल के हो चुकी है तैयार। मैंने इसमें धनिया भी मिक्स कर दी है दोस्तों और बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी बनकर आ गई है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाता है, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई तो कमेंट किया कीजिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं रेसिपी किसी को पसंद आई है कि नहीं आई है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ ऐसा बताया कीजिए। अगर गलत होता है तो गलत भी बताया कीजिए, अच्छा लगता है तो अच्छा भी बताया कीजिए। ऐसे ही गांव की रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।